गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम पार्ट एल और पार्ट एम। ठीक है, पार्ट एल में ये बोला है राइट द न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको ये न्यूमरल्स दिए हैं ना, इनको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे ये डैश करके प्लस बना है, फिलअप बना है ना, और प्लस बना है, फिलअप बना है, प्लस बना है, वैसे न्यूमरल्स दिए हैं। आपने इस न्यूमरल्स को इन फिलअप्स में फिल करना है। आप देखो कैसे फिल करना है आपने। ये हैं आपके क्वेश्चंस। अब देखो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया गया है नंबर, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, ये है 8942। अब आपने इस नंबर को कैसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एट, यहाँ पे। अब आप यहाँ पे लिखोगे एट। ठीक है, आपने यहाँ पे एट लिख दिया। अब एट से आगे आपने देखना कितने डिजिट हैं। ठीक है, कितने डिजिट हैं यहाँ पे, एट से आगे देखना है आपने कितने डिजिट हैं। वन, टू, थ्री, तो आपने यहाँ पे कितनी ज़ीरो लगा देनी, थ्री ज़ीरो लगा देनी है। ठीक है, फिर अब एट लिख दिया ना। ठीक है, अब एट के बाद आपने आप कौन सा डिजिट आया, नाइन, कौन सा डिजिट आया, नाइन, तो आपने यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखना है, नाइन, और देखना है नाइन के आगे कितने डिजिट हैं, वन, टू। नाइन के आगे कितने डिजिट हैं, टू डिजिट हैं, तो आपने यहाँ पे कितनी ज़ीरो लगानी है, टू ज़ीरो लगानी है, तो यहाँ पे आपने लगा देनी टू ज़ीरो, ये बन गया 900। उससे नेक्स्ट है यहाँ पे फोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है फोर। ठीक है, और फोर के आगे कितने डिजिट हैं, वन डिजिट है, तो यहाँ पे वन लगा देनी है आपने, ज़ीरो। अब आपके पास नेक्स्ट क्या बचा, टू, तो यहाँ पे लिख देना आपने टू। ठीक है, ऐसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे करना है, पहले यहाँ पे सिक्स लिख लेना, फिर सिक्स के आगे कितने डिजिट हैं, थ्री, तो थ्री ज़ीरो लगा देनी, फिर आगे सेवन लिख लेना, सेवन के आगे कितने डिजिट हैं, टू, तो टू ज़ीरो लगा देनी, फिर लिखना फाइव, फाइव के आगे कितने डिजिट हैं, वन डिजिट है, तो वन ज़ीरो लगा देनी, और ये जो ज़ीरो है वो ज़ीरो की ज़ीरो हो जाएगी। देखो कैसे लिखना है, ये ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला नंबर भी आपने ऐसे लिखना है, यहाँ पे नाइन, और कितने डिजिट हैं, थ्री डिजिट हैं, तो लग जाएगी थ्री ज़ीरो। उसके आगे आएगा एट, एट लिख दिया आपने यहाँ पे, और एट के आगे कितनी डिजिट हैं, टू, तो लग जाएगी टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो ही है ना, तो ये ज़ीरो जो है वो ज़ीरो रहेगी, ऐसे ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये टेंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे दो ज़ीरो लगा दो। ठीक है, उसके आगे क्या आएगा, थ्री। आपने नेक्स्ट के क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं, जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपने ऐसे करने हैं। ये देखो सेम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए, वैसे ही ये क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एम पार्ट, शो इन द अबेकस। अपने अबेकस में आपको न्यू नंबर दिया होगा और आपने उन अबेकस में फिल करना है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ उनको अबेकस में कैसे फिल करना है और कौन से वाले क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर एम, शो ऑन द अवेकस। आपके पास ऐसे न्यूमरल्स दिया होगा ना, आपने इस अवेकस में फिल करना है। ठीक है, अब देखो इस न्यूमरल्स को आपने क्या करना है, रफ वर्क में, रफ वर्क में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है देखो। और आपने क्या कर लेना है, वंस पे क्या है हमारे पास, जीरो। ठीक है, टेंस पे क्या हमारे पास, टू। हंड्रेड पे क्या हमारे पास, फाइव। और थाउजेंड पे क्या हमारे पास, नाइन। ये जस्ट करने के लिए बता रही हूँ कि आपने ये ऐसे लिखना है, आपने मतलब समझना है इसको कि कैसे करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना है कहीं भी। ठीक है, अब आपको बोला है वंस पे कितने डिजिट हैं, टू, नहीं, वंस पे कितने डिजिट हैं, वन, तो मतलब यहाँ पे वन डिजिट है, और वो डिजिट क्या, अब आपके पास ज़ीरो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इस अवेकस भी कुछ नहीं आएगा। सेकंड टेंस पे आपके पास कितने डिजिट दिए गए हैं, टू डिजिट दिए गए हैं, कितने हैं, टू, टू है ना, यहाँ पे टू का मतलब है कि कितने यहाँ पे सर्कल आएंगे, टू सर्कल आएंगे, तो वो सर्कल आपने ऐसे लगाने, जैसे ये देखो वन, टू। ठीक है, अब नेक्स्ट हंड्रेड पे कितने हैं, फाइव, तो मतलब आपने यहाँ पे कितने सर्कल लगाने हैं, फाइव लगाने हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, कितने सर्कल लगा दिया आपने, फाइव। अब यहाँ पे थाउजेंड है, तो थाउजेंड पे कितने, नाइन, तो मतलब यहाँ पे आपने कितने सर्कल लगाने हैं, नाइन सर्कल लगाने हैं। ठीक है, ऐसे आपने इसमें कितने सर्कल लगा देने हैं, नाइन सर्कल लगा देने हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर वन। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ पे 4902। ठीक है, ये भी आपने ऐसे लिखना है। आपने एग्जांपल के लिए क्या करना है, देखो वंस पे कौन सा डिजिट है, टू, तो यहाँ पे आप लिख लोगे टू। टेंस पे कितना है, ज़ीरो। हंड्रेड पे कितना है, नाइन।
और 1000 पे कितना है 4। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने कौन सी लाइन में कितने डिजिट कितने सर्कल लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सर्कल कैसे लगाने हैं। 1s पे कितने सर्कल आएंगे, 2 सर्कल आएंगे, 1 और 2। ठीक है, अब 10s पे क्या आपके पास 0, तो यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं आएगा। अब 100 पे कितने सर्कल आएंगे, 9, ऐसे 9 सर्कल आ जाएंगे। और 1000 पे कितने सर्कल लगेंगे, 4, 1 2 3 4, कितने सर्कल आ गए, 4। ठीक है, ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। मैं आपको 3 करके बता देती हूँ। ठीक है, ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। देखो ये 3, और ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपने खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने इनको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।